आप सभी का हमारे चैनल फिटर फाइटर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि हम अभी टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों कल जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने 20 नंबर तक क्वेश्चन बता दिए थे, 20 नंबर तक कवर कर दिए थे। आज हम क्वेश्चन करेंगे 21 से, तो हम 21 क्वेश्चन से पढ़ना और करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को देखते रहें और टेक्निकल सीखते रहें, क्योंकि आगे जो भी एग्ज़ाम होंगे तो आपको उन एग्ज़ाम में काम आएगा। तो हम ऐसे डेली जो क्वेश्चन हल करेंगे उन्हीं की काउंटिंग आगे बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं और आप भी इसी तरीके से कंटिन्यूस पूरी तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि हम लगातार ऐसे ही कंटिन्यूस तरीके से क्वेश्चन हल करेंगे लाइन से बिल्कुल पूरे टेक्निकल के, तो हम 21 नंबर आज हल करेंगे। तो 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है। 21 नंबर क्वेश्चन, ये फाइल बनी हुई है, इसे हम फाइल कहते हैं। तो उसमें हमें एक्स भाग का नाम बताना है कि जहाँ पर ये एक्स इंडिकेट कर रहा है। तो हम ऑप्शन देख के आपको बता देते हैं कि एक्स भाग क्या होता है। देखिए इसमें ए ऑप्शन में हील दिया गया है, तो इस जो एक्स निर्देशित किया गया था उसका आंसर हील होगा। आगे बढ़ते हैं हम 22 नंबर क्वेश्चन पर, एक ट्राई स्क्वायर का क्या उपयोग होता है। तो दोस्तों ट्राई स्क्वायर जो होता है गुनिया कहते हैं हम उसको, तो जो गुनिया होती है गुनिया चेक करता है, जांचता है। तो इससे हम क्या चेक करते हैं, इसमें हम समकोण को चेक करते हैं, तो इसका ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम 23 नंबर पे आ जाते हैं कि 23 नंबर एक क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए 23 नंबर में पूछा गया है कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है, मतलब जहर होता है। जहर यानी जिससे हमें हाथों को, मुँह को, नाक को, पेट को या कहीं भी ये जो मार्किंग मीडिया लग जाएगा तो इससे खतरा हो सकता है, जहर हो सकता है। जहर सभी लोग जानते होंगे। तो दोस्तों जो कॉपर सल्फेट होता है ये एक प्रकार का तेजाब होता है, जहरीला होता है। तो इसका आंसर सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है यूनिवर्सल सरफेस गेज का, यानी जो सरफेस गेज होता है आप सभी आईटीआई वाले बंदे बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे कि यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। तो दोस्तों स्क्राइबर को पकड़ने वाला जो हिस्सा होता है उसे हम स्क्राइबर स्नग कहते हैं। तो स्क्राइबर स्नग ना लिख के उसने अकेला स्नग लिखा हुआ है, इसलिए इसका ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि स्क्राइबर स्नग ना लिख के उसने स्नग अकेला भी लिखा है तो भी वही आंसर होगा। और दूसरे ऑप्शन भी हम दिखा देते हैं सी और डी, सी और डी में क्या दिया गया है तो उससे और कन्फर्म हो जाएगा। तो सी ओ डी पर हम पहुंच जाते हैं। सी ओ डी देखिए ये रोकाराम दिया गया है, तो रोकाराम तो इसका गलत आंसर हो जाएगा, ये गलत है। सी वाला और डी वाला भी गलत है, इसलिए उसका आंसर स्नग ही सही होगा। अब आ जाते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है जो आजकल के एग्जाम में थोड़ा सा कम आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, कठिन थोड़ा ज़्यादा आते हैं। तो इस 22 का हमें नाम बताना है कि ये कौन सी 22 है दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो टाइम बचेगा वो टाइम आप किसी कठिन क्वेश्चन में लगा सकते हैं। तो इसको आपको विद इन 5 ही सेकेंड में आंसर लगाना है। तो ये दोस्तों हैंड वाइज है, तो इसका सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि कठिन क्वेश्चन में आपको टाइम थोड़ा सा कलेक्ट करना पड़ेगा। इसका अगला है कुछ स्ट्रोकों के बाद एक नया ब्लेड भी ढीला हो जाता है। ये भी क्वेश्चन, ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कि जो ब्लेड हम बांधते हैं तो उसको आगे नट से, बिग नट से कस देते हैं, फिर भी बार बार ढीला हो जाता है। तो हमारे मन में, हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि भाई हर बार हम टाइट कर रहे हैं फिर क्यों ये ढीला हो जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, ब्लेड पर खिंचाव पड़ता है। तो इसका जो है फर्स्ट आंसर ब्लेड में खिंचाव हो जाने के कारण वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए कि पहले कट, इसमें दो क्वेश्चन है एक साथ। देखिए पहले कट यानी आपने कोई भी किसी भी जॉब में ऐसे कट बनाया, आप काट रहे थे इसको हेक्सा ब्लेड से ऐसे ऐसे, तो या तो पहले वाला कट है और कोई ब्लेड टूट गया तो पहले वाला कट, और पतले वर्क पीस को काटते समय दांते बहुत आसानी से क्यों टूट जाते हैं। यानी एक तो आप पुराने कट को नए ब्लेड से पूरा करना चाह रहे हैं पहले कट वाले को, और पतले वर्क पीस को काट रहे हैं, तो इससे पुराना जो कट था या पतला वर्क पीस था तो उससे क्यों टूट जाता है। तो इससे इसलिए टूट जाता है क्योंकि जो हमारा प्रेशर पड़ता है ये कुछ विशेष दांतों पर पड़ता है। तो इसमें देख लेते हैं हाथ का बल, ये लिखा हाथ का बल केवल, तो इसका डी आंसर राइट आंसर होगा। हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है, क्योंकि जब हम पतले वर्क पीस को काटेंगे तो उसमें दांते जो है अटक जाते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पढ़ते हैं हम, कॉर्नर और जॉइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए यानी 90 डिग्री में बनाने के लिए हम किस छेनी का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायमंड पॉइंट चीजल हो जाएगा, सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन, ये हथौड़ा बना हुआ है, आप सब जानते हैं जो भी आईटीआई करता है वो हथौड़े को तो बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि
क्योंकि भाई आईटीआई करने वाला हथौड़े का यूज हमेशा करता रहता है। तो ये भाग हमें बताना है कि क्या भाग है, तो इस भाग को हम क्या बोलते हैं, इस भाग को हम चीक बोलते हैं। देखिए इसमें सी आंसर दिया गया है, ये चीक इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अपन को जल्दी से क्वेश्चन इसलिए करना है क्योंकि यदि देर से हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, जब हम एग्जाम में जाएंगे तो हमारे क्वेश्चन छूट जाएंगे, इसलिए हमें टाइम के हिसाब से बहुत जल्दी से पढ़ के क्वेश्चन आने चाहिए। तो दोस्तों इसमें ये पूछा गया है, ये गामा की वैल्यू को पूछा गया है, देखिए लिखा हुआ है। तो ये ऊपर वाला जो एंगल होता है, ये ऊपर वाला एंगल जो आपके सामने बना हुआ है, ये ऊपर वाला एंगल देखिए, ये गामा बना हुआ है, तो ऊपर वाले एंगल को हम रेक एंगल बोलते हैं। तो रेक एंगल देखो ये दिया गया है, रेक एंगल, ये आंसर राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं हम, 29 नंबर क्वेश्चन हो गया था, हम पहुंचते हैं कि 30 हो गया था, 30 देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं क्योंकि गलती भी हो सकती है, 30 हो गया, 30 के बाद 31 आएगा। दोस्तों इस तरीके की गलती हो सकती है। 30 नंबर पे आ जाते हैं, कोई परेशान होने वाली बात नहीं। धातु का वह गुण का नाम बताएं जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता। तो दोस्तों तार में खींचने का गुण जो होता है ये हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी डक्टिलिटी में आता है, तो तार बनाने के गुण को हम डक्टिलिटी कहते हैं। दोस्तों मैं क्वेश्चन के बीच में एक बात और बताना चाहता हूँ कि यदि आप परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे, तो कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको नौकरी से रोक पाए। आप एक नहीं, आप 2, 3, 4 जितने भी एग्जाम होंगे सभी एग्जाम पास कर सकते हैं। इसलिए आप किसी के भड़काने में मत आएँ कि क्या होता है, ये होता है, वो होता है। आप कठिन मेहनत करें और एग्ज़ाम को दें, आप ज़रूर उस एग्ज़ाम को पास करोगे। और जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो जो बात हम कह रहे हैं आप भी दूसरों को यही बात कहेंगे कि मेहनत करने वाले ज़रूर कभी ना कभी सफल होते हैं। अगला क्वेश्चन हम करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर में देखिए, थिम्बल के एक डिवीजन का स्पिंडल मूवमेंट क्या होगा। थिम्बल का एक खाने का डिवीजन, देखिए थिम्बल के एक डिवीजन, तो थिम्बल के खाने का मान 0.01 mm होता है, तो इसका ये आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे, इसमें हमें रीडिंग पढ़ना है। तो दोस्तों ये रीडिंग पढ़ना हमने जो हमारे ऑफलाइन बैच चलते हैं उसमें सिखाया है, तो हम इसमें तो खैर उतने अच्छे तरीके से नहीं बता पाएंगे क्योंकि जो वीडियो में टाइमिंग रहती है हमें टाइमिंग एग्जाम के हिसाब से रखना पड़ती है। तो इसकी जो रीडिंग आएगी मैं थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ। इसमें जो जीरो को हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इस जीरो ने इधर से कितने निशान पार किए हैं, तो इधर से उसने 35 निशान पार किए हैं। और इसके बाद लाइन कौन सी मैच कर रही है, 20वीं लाइन मैच कर रही है, तो बनने कैलिपर की लिस्ट काउंट 0.02 होती है, तो 20 × 40, तो इसकी रीडिंग आएगी 35.40 का डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन, ये भी हमें रीडिंग पढ़ना है, ये बनने वेल प्रोटेक्टर है। तो देखिए बनने वेल प्रोटेक्टर में हमें रीडिंग उसी तरीके से पढ़ना पड़ती है। तो ये जीरो देखिए 41 डिग्री के सीध में है, तो ये 41 डिग्री हो जाएगा। ये कौन सी लाइन मैच कर रही है इधर पे, तो ये हमें पढ़ना पड़ेगा कौन से मिनट वाली लाइन है ये। तो देखिए 3 × 3 = 6, 6 × 4 = 10, तो 10×50 = 50 मिनट हो जाएगा। तो 41 °50' इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 41 °50'। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। यदि आप बाहर रह के कोचिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए एक सजेशन है कि आप जो है हमारे यहाँ आकर के, झांसी आकर के कोचिंग कर सकते हैं। तो हम ऑफलाइन में, क्योंकि देखो ऑनलाइन में आप तैयारी कर सकते हो, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि जो तैयारी ऑफलाइन में होती है वो ऑनलाइन में नहीं हो पाती है। होने को करने के लिए कोई असंभव काम नहीं है, लेकिन ऑफलाइन बेटर रहता है ऑनलाइन की अपेक्षा। पर करने के लिए लोग बाग घर पर पढ़ के भी नौकरी लगा सकते हैं, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल कोई काम नहीं होता है, लगन होनी चाहिए। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, फीलर गेज का उपयोग क्या है। तो फीलर गेज का उपयोग होता है दो पार्टों के बीच का गैप चेक करना, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला 36 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी हमें रीडिंग पढ़ना है। दोस्तों ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए इसमें ये इधर पे ये कितना दिख रहा है, इधर हमें 2.5 दिख रहा है, 2.5 इधर हमें दिख रहा है। इसके बाद 2.5 सेंटीमीटर है, तो इसको हम एमएम बनाएंगे, एमएम में बनाएंगे हम इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 25 mm। इसके बाद हम इसमें देखेंगे घड़ी में, तो घड़ी में 24वीं लाइन हमारी मैच कर रही है, इसकी लिस्ट काउंट 0.05 है, तो 24×5 = 120, 1.20 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 26.20 हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर जो है डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में, गैंग ड्रिलिंग मशीन। तो देखो हम इसमें गैंग से समझेंगे, गैंग बहुत ही महत्वपूर्ण टिक होती है, गैंग से समझाता था। गैंग का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक साथ, उसे गैंग कहते हैं। तो जहाँ पर देखिए इसमें लिखा होगा कहीं ना कहीं, तो इसमें देखा डी आंसर में लिखा गया है सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग, ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। तो लगातार जो ड्रिलिंग होती है लाइन से होती है, तो उसमें गैंग ड्रिलिंग मशीन रहती है।
38 नंबर क्वेश्चन आया, बनने वाले प्रोटेक्टर में स्टॉक का ही अभिन्न हिस्सा होता है, तो इंटीग्रल पार्ट, तो इसका जो डायल होता है बनने वाले प्रोटेक्टर का डायल होता है वो एक अभिन्न हिस्सा होता है स्टॉक का। इसके बाद हम आज के लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच जाते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, जॉब को फिनिश साइज के करीब तक लाने के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम सेकंड कट जो फाइल होती है उसका प्रयोग किया जाता है, यानी हम फिनिश की नज़दीकता लाने के लिए। तो दोस्तों जिस तरीके से हम जॉब को फिनिश तक लाने के लिए सेकंड कट फाइल का उपयोग करते हैं, उसी तरीके से यदि हम मेहनत करेंगे तो हम जॉब के नज़दीक भी पहुंच जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो दोस्तों हम 41 से लेके कल क्वेश्चन शुरू करेंगे, तो दोस्तों आप उपस्थित रहें, शाम को मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, और यदि आप नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय।